प्रकृति में नर नारी के अलावा एक अन्य वर्ग भी है जो न तो पूरी तरह नर होता है और न नारी, जिसे लोग हिजड़ा या किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। जी हाँ, हिजड़ा, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से लोगों के जहन में रहती है। आपको शायद पता न हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक जैसा ही रहता है। यूं कहे कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी इन दोनों से भिन्न होता है। आपको बताते चले कि आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आई है, लेकिन आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिरकार किन्नरों का जन्म क्यों होता है। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की, तो किन्नरों के जन्म को लेकर इनके भी कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर आठवें घर में शुक्र और शनि विराजमान है, तो जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता है, तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के आठवें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। वही ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर व्यक्ति पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता। तो किन्नरों के पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भधारण होता है, जिसमें वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है, तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। वही किन्नरों के जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है, जिसमें कई ग्रहों को इसका कारण बताया गया है। शास्त्र की अगर माने तो किन्नरों की पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों के वजह से होती है। पुराणों की बात करें तो किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। पौराणिक कथाओं को अगर माने तो अर्जुन की भी गिनती कई महीनों तक हिजड़ों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।